कोचा का काम ऑफिशियल का काम रह जाता है, लेकिन जो छोटी मोटी शिकायत है खिलाड़ियों की उसको दूर करना कमेटी का गांव का काम है। अब क्या रह गया? हाँ, पाली रेड चलेगा भाई सुनील दमतान वाला। अमन भाई, दर्शक साथियों, दो की छूट में मास्टर बहु में जो खिलाड़ी हैं सुनील दमतान और अब्दुल्ला और रज्जी बुल्लन, जिला संगरूर पंजाब प्रदेश का बेटा है भाई। हाँ, उधर दो की छूट में जो खिलाड़ी दर्शक साथियों, चाहे दीपक काशीपुरिया की बात हो दोहरा जिला कैथल की टीम में, चाहे मोहित डीक की बात है भाई, दर्शक साथियों बिल्कुल हाई वोल्टेज मैच होगा भाई। आंडी फोर्ड मैच है भाई, बहुत तगड़ा मैच होगा भाई। बिल्कुल इस सीजन में दोनों टीमों ने कमाल कर रखे है भाई। प्लीज रिक्वेस्ट है जी, जल्दी फैसला करो और अगले मैच के लिए फरमाना और ओसर की टीम भी पहुंच गई। धन्यवाद करते हैं भाई। मास्टर बहु अकबरपुर की टीम है धनाना की साइड, सभी नोट करें। और द्योरा की टीम है बाबा के मंदिर की साइड। और बहुत बड़े मैच की पहली रेड सुनील दमतान के द्वारा जिला जींद का खिलाड़ी रोहतक की टीम का प्रतिभागी अब सामने, बहुत तकड़ा सेट है। और यह है मोहित डीग वाला, और यह डेढ़ पॉइंट की कैच लगा दी मोहित डीग ने। भाई चूचू बंद कराओ एक बार इसकी। हाँ सर, नीचे से हाँ थोड़ी चूचू बंद कराओ भाई। बंद हो गया आपका ना? ठीक है सर। आप रेड पर आ गया रवि रवि द्वारा आ गया। दर्शक साथियों सामने सनसनी खेत का चरी सीजन का सिल्लू बलारा की बात है, रज्जी बुल्लन की बात है, देखते कौन कच का प्रयास करता रवि द्वारा को। बिल्कुल ले है रज्जी 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 रज्जी, अरे क्या बात है, रवि द्वारा चक्के जो ऋषि बलारा बहु अकबर रवाला, जो पंजाब के जो ग्रुप होते हैं जो क्लब होते हैं उनका बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है, लेकिन आज कुछ भी हो सकता है, बहुत तगड़ा मैच लगेगा। और रेड के द्वारा पहला पॉइंट ऋषि पाल को मिला है। अब आ गया दीपक काशीपुरिया, बोल भाई। हाँ दीपक आ गया भाई काशीपुरिया, बिल्कुल एक सुपर डुपर खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश का, चला रेड पर दीपक काशीपुरिया। आज दोरा टीम का प्रतिभागी है, सामने सिल्लू त्यारा रज्जी त्यारा, ये है सिल्लू बलारा, सिल्लू 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 सिल्लू, बच्चे बच्चे के जबान पर नाम है सिल्लू बलारा। मंडाना एक बार ताली मार देवे सिल्लू के नाम की, सिल्लू बलारा के लिए तालियां बज रही है। हाँ जी सुरेश दलाल जी, भागते भागता काटा करता रामवीर एरी वाला रहे, बहुत तगड़ा कैचर हरियाणा प्रदेश का। उस भाई की तकनी है जैसे काला मोखरा की उल्टी कैची का हथियार उसने जन्मा है या कह ले जन्म दिया है यानी पैदा किया है उसी प्रकार से रामवीर का। और यह पोला कई बाइक विजेता खिलाड़ी, चाहे मंजूरा की बात हो चाहे दूसरे गांव की बात हो, कई बाइक इस सीजन में पोला ने जीती है, लेकिन पॉइंट मिलेगा सुनील दमतान को। चलेगा रवि दोरे वाला। हाँ रवि दोरे वाला रोड पर आ गया दर्शक साथियों, बिल्कुल रवि दोरा आ गया, रज्जी प्यारा, रज्जी की टक्कर सफल रेड पॉइंट रवि देरा। हाँ जी बाबू दलाल साहब, चलेगा ऋषि पाल बलारा सामने, छोटा अमन बड़ा अमन पोला और भाई मोहित डीग लेफ्ट कोर्नर, ओ डबल टच, ओ बहुत ही बेहतरीन डिसीजन जो हरियाणा प्रदेश के पहले दो तीन ऑफिशियल में उनमें शुमार रखने वाले उनमें काउंटिंग कराने वाले संजय कोच मनाना, बहुत ही बढ़िया और सटीक डिसीजन जो बहुत कम ऐसे सुलझे डिसीजन देते हैं, मैं कोच साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। और अब चला है कुछ डिस्कस चल रही है, बोलिए। हाँ रेड पर आ गया दीपक 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 दीपक, ये है दीपक काशीपुरिया, सफल रेड पॉइंट दीपक काशीपुरिया, पॉइंट जाएगा दोरा जिला कैथल के। अब रेड पर आ गया भाई सुनील दमतान जिला जींद उर्फ दुल्ला, रेड पर आ गया। हाँ जी दलाल जी, देखिए 23:30-24 का मैच, जैसा कि खेल कमेटी ने बताया है बहुत बड़ा मैच है, ताकत लगेगी, ये समझ लीजिए कि फाइनल ही मैच चला हुआ है। फाइनल तो पता नहीं किस चीज का होता है, लेकिन यहाँ तो ये कमल मंडाना का
खेल ग्राउंड है जहां बचपन में किलकारी मारता हुए अपने माँ बाप को नमन करते हुए मैंने तो यहाँ तक सुना जब मैं 35 किलो में यहाँ खेलने आया, कमल मंडाना 27-30 साल की उम्र में भी माँ की खाट पर या बापा की खाट पर सो जाया करते थे, सच्चाई का मुझे पता नहीं। हाँ, सुन लो, रवि की टक्कर हुई, पॉइंट मिलेगा रवि देरा के खाते में। रेड पर आ गया ऋषि पाल बलारा, रेड पर है दर्शक साथियों, सामने अमन देरा वाले, बिल्कुल ऋषि को कैच लगानी पड़ेगी, तो तैयार है मोहित डीग, साइलेंट किलर तैयार है, यह बड़ा अमन देरा जिला का थड़े ऋषि पाल बलारा, एक टक्कर मुकाबला सिरा कमाल, पॉइंट मिलेगा ऋषि पाल बलारा जिला रोहतक। चला दीपक काशीपुरा, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के नहीं हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान में कई बार जाके झंडे गाड़े और हिंदुस्तानी कबड्डी को बुलंद किया, आज रवि दोहरा की टीम का प्रतिभागी बना है और यहाँ रजी भूलन वाले ने कमाल कर दिया है। ये जिला संगरूर पंजाब का खिलाड़ी है, रजी नाम है, गाँव भूलन है, जो कि अगर दूसरी भाषा में बात करें तो पिंड भूलन है, पिंड। चला सुनील कुमार दमतानिया, जो कि कोरोना के बाद दोस्तों पहला वो गांव जो 18 सितंबर 2020 को टूर्नामेंट कराई, उस गांव का नाम दमतान, उस गांव का लाडला भाई है सुनील कुमार दमतान। अब आएगा रवि दोहरे वाला, चाहे कनाडा की बात है, चाहे यूएसए की बात है, चाहे इंग्लैंड की बात है, चाहे बेल्जियम की बात है, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात है, हमेशा सिरमौर कबड्डी खेलता है, वो फिलहाल रेड पर है रवि दोहरे वाला। हाँ, रवि दोरा आ गया भाई, सामने रज्जी बुलन का रहा सिल्लू बलारा, ये है सिल्लू बलारा की टक्कर होगी रवि दोरा के साथ, एक टक्कर सिरे की टक्कर कमाल, बल्ले ताकत लगी लेकिन रवि सफल, ताकत अच्छी लगी, फाइट बहुत बढ़िया हुई। विनय खत्री की चोट के बाद ये दोनों खिलाड़ी कैचर के रूप में सिल्लू, रेडर के रूप में रवि दोरा, हरियाणा प्रदेश में चोटी के खिलाड़ी हैं, कोई दोरा नहीं, आपस में टक्कर हुई, पॉइंट तो एक को मिलना ही होता है दोस्तों। यह रवि का छोटा भाई अमन कुमार, कई बाइक विजेता खिलाड़ी है ये भी, ऐसा नहीं है सारे के सारे खिलाड़ी दोनों साइड से मंजे हुए खिलाड़ी है। बोलो भाई। हाँ, रेड पर आ गया दीपक काशीपुरिया, सामने रज्जी बुलनवाला भी तैयार है, सिल्लू बलारा, ए बलारा परिवार का बेटा सिल्लू बलारा, बहु अकबरपुर गाँव मास्टर बहु अकबर टीम का प्रतिभागी, सबल रेड पॉइंट दीपक काशीपुरिया। हाँ, ज्यादा देर लगी, टॉप क्लास का मैच, अगला मैच होगा ओसर वर्सेस फरमाना सोनीपत, बिच्छू बरेंदर विकास सुभाष रडाव हिंदुस्तान के अनबान शान, उस गांव की टीम अगला मैच ओसर के साथ खेलेगी, दोनों टीमें अपने आप को तैयार रखे, जो 16 से पहले का मैच होगा। आहा, यह पोला एंड सुनील, एक बेटे क्या फाइट है, पोला को थोड़ी सी इंजरी है, चोट है, जबरदस्त मैच चलता हुआ, क्या टाइम आउट दे दो, कोचा बड़ा मैच है, पहला टाइम आउट दोरा ने लिया है, तब तक स्कोर की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं एक बार, स्कोर भाई मास्टर बहु अकबरपुर का स्कोर अभी तक है दोस्तों 11, दोरा का स्कोर है 6.5। कोचा भे अगले मैच के लिए टीम बैठी है, संजय कोचा बैठी है टीम, दोरा और फरवाना सोनीपत वो बैठी सामने, 6.5 और 11। अभी 3 दिन पहले फाइनल मुकाबला हुआ इन्हीं दोनों के टीमों के बीच में, 2,24,000 का दूसरा नाम कैसी ज्यादा, पहला नाम 1,21 और 11,000 के बैच थे, आपने सभी ने देखा होगा दिल्ली के अंदर, उस दिन रवि भी नहीं खेला था चोट के कारण, फिर भी मास्टर बहु अकबरपुर की टीम ने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज रवि भी है उसके बाद फिलहाल मास्टर बहु की टीम आगे चल रही है, आगे देखते होता है क्या, 7.5 और 11, 23:30-24 मैच लगेगा और हर दर्शक भाई कबड्डी का आनंद उठा के जाएगा, आज बड़ा मजा आया, हर अच्छी टीम हर अच्छे खिलाड़ी मंजे हुए ऑफिशियल, उसके साथ साथ क्यों ना हो जो दुनिया के महान खिलाड़ी कमल जी मंडाना उसके गांव में खेल मिला है, और रवि ऋषि पाल एंड अमन कुमार, पॉइंट मिलेगा ऋषि पाल बलारा बहु अकबरपुर को। हाँ, रेड पर आ गया दीपक काशीपुरिया, दर्शक साथियों बिल्कुल सामने
आज के टाइम का सनसनी खेद का चर सिल्लू बलारा तैयार है और बिल्कुल रज्जी भी तैयार है। ये है सिल्लू, ये है सिल्लू बलारा, सिल्लू बलारा, ए बल्ले बल्ले बैताली, ए आथे, ए आथे, ए आथे। और दोस्तों इस लड़के ताली मार दो भाई छोरा के नाम की, इस लड़के की 17.5 साल की उम्र है भाई, दुनिया में लंगोटी घुमा दिया कबड्डी कैचर के रूम में, ताली मारो वो सिल्लू के लिए। हाँ टाइम आउट लिया है सर, एक एक टाइम आउट था, अब नहीं आ गया रेडर कुछ, अब ले लिया, ले लिया तो ले लिया भाई, नहीं ले लिया तो ले लिया। आप 30 सेकंड रेस्ट करो, बात करो पीछे क्या गलती हुई उनमें सुधार करो, अभी गेम को प्रमोट कर सकते हो जी। इस काच पर खुश होकर के भाई ने सिल्लू बलारा को 200 रुपए से मान सम्मान किया सर। धन्यवाद कुलदीप कुमार जी, कुलदीप सिंह कह लो, कुलदीप कुमार प्यार से के कहते हैं, और इस खेल कमेटी की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब मैच लगेगा, जो टीम जीतेगी बहु अकबरपुर की जीतेगी, जो 24 पॉइंट पहले बनाने होंगे, डेरा का काम 23.5 में चल सकता है। और यह बड्डा अमन एंड सुनील कुमार पॉइंट मिलेगा बहु अकबरपुर को। सूर्य का नाम है रवि, भगवान का नाम है रवि, और रवि महान कबड्डी खिलाड़ी फिलहाल लेड पर। बोल राहुल भाई। हाँ रवि डेरा फिर आ गया भाई, और अब की बार देखते क्या होगा, हर रेड में कुछ न कुछ होता है। सिल्लू से फिर टक्कर हो गया, सिल्लू बलारा रवि डेरा, ए टक्कर मुकाबला सिरा कमाल जान गए जाते बल्ले बल्ले बल्ले। ये बहुत तगड़ी कैच है, इसे कहते हैं जान का रोबोट, ताली मारो सिल्लू के लिए। 100 रुपए जबरदस्त कैच है सिल्लू बलारा को, ताली मार दो मोहित दीग ने भी बदला ले लिया है। इसे कहते नेले पर डाला, इसे कहते ईट का जवाब पत्थर से। उधर मोहित दीग ने ऋषिपाल को कैच लगा दिया, उससे पहले रवि डेरा को सिल्लू ने कैच लगाई थी। मैच देखिए, दीपक फिर आ गया काशीपुरिया, रज्जी भी तैयार है बोलने वाला, संगरूर जिला सामने बिल्कुल रज्जी है, ए रज्जी बोलने वाला बल्ले बल्ले, मगर दीपक काशीपुरिया सफल रेड पॉइंट। हाँ जी सुरेश जी, अभी मैच में बहुत जान है, अभी तो आधा मैच आया है, जब पूरा मैच कंप्लीट होगा तो आप भरपूर कबड्डी का आनंद उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनील कुमार का गेम सुनील जैसा ही है, और अब की बात था ये होल्ड है, अमन कुमार ने बिल्कुल जोड़ा लगा दिया है, लगातार दो कैच लगा दी है टीम डेरा ने। डेरा की टीम किसी भी मायने में कति कम नहीं है, अगर शेखर मोखरा की स्टीक जानकारी के मुताबिक बता दिया जाए, इस सीजन में 2020 और 21 के सीजन में काफी जुनवाड़ी हमारे बीच में है, इन टीमों का 10 बार मुकाबला हुआ है। सर मास्टर बहु की टीम 1 बार जीती है, जबकि डेरा की टीम ने इस टीम को 9 बार हराया है। हाँ ये है सिल्लू, सिल्लू है, सिल्लू का कहर जारी है, जारी पॉइंट 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 पॉइंट। हाँ जबरदस्त कैच, छोटे भाई को कैच लगाई है। चलेगा ऋषि पाल बलारा, तीन तीन चार चार रेडरों से सजी हुई टीम, दोनों टीमें अक्सर फाइनल खेलती है। मैं फिर वो बात बता दू, रवि डेरा ने इस सीजन में 9 बार हारा जैसे कि शेखर जी बोलते हैं, लेकिन आज ये नहीं है कि हारेगी नहीं, मैं ये कहता हूं मैच जबरदस्त चला हुआ है, किसी साइड से कोई भी जीत सकता है। आज कैचो पर कैच, कैचो पर कैच, कैचो पर कैच लग रही है, लेकिन हिंदुस्तान में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती है, नतीजा 150 साल में आता है। जुडिशियल हिंदुस्तान की बहुत कमजोर है। हाँ रेड पर आ गया काशीपुरिया, दीपक काशीपुरिया फिर आ गया भाई, बिल्कुल सामने तैयार पर तैयार है। अरे रज्जी 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 बोलने वाला जिला संगरूर, अरे क्या बात है, सफल रेड पॉइंट दीपक काशीपुरिया। अब रेड पर आएगा सुनील कुमार दमतानिया जिला जींद जी, सातों गुरुद्वारे में जिस गांव का जिक्र होता है, जिस गुरुद्वारे को शामिल किया जाता है कुरुक्षेत्रा बोर्ड के अधीन, उस गांव का खिलाड़ी पोला से फाइट, पोला अभी तो कुछ खास नहीं कर पाया, कई कई टूर्नामेंटों में चार चार
कैच लगाता लगाता आप टाइम का इशारा मैं चीफ रेफरी का समझ सकता हूं, अजय कोच बरसी हरियाणा पुलिस। अब स्कोर की जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ बाली, और फिलहाल का स्कोर है 2.5 2.5 बहु अकबरपुर मास्टर 17, ठीक है जी 17.5। पैर से खेलो भाई रे, पैर से खेलो। आराम से आराम से बाली, कोई बात नहीं है। चलिए भाई फिर मैं स्टार्ट आप टीम के बाद, आप टीम के बाद फिर मैं स्टार्ट। नहीं दीपक रेड पे नहीं आ पाएगा, दीपक रेड पे नहीं आ पाएगा, ये टेक्निकल मामला है। हमारे बहुत बुद्धिजीवी कोच है संजय कोच, मंडाला की बात है चाहे शिला डीपी बनबोरी की बात, अपने जमाने के मान खिलाड़ी चाहे अजय कोच बरसी जिला भिवानी की बात है। हाँ ये है रजी 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 बोलण हो साडा नहीं कसूर, साडा जिला संगरूर जय आज साडी आवे गेड़ा मार ले जरूर। ये जिला संगरूर का खिलाड़ी है दर्शक साथियों रजी बोलण वाला, और अब स्कोर होगा 17-18 और 12। बैठ जाओ आप जो एक्स्ट्रा चला ऋषि पाल बलारा, 12.5 और 18 चला ऋषि पाल बलारा। और मोहित डीग के साथ जबरदस्त फाइट है, ओहो यहां आसानी के साथ कैच है ऋषि पाल। क्या हुआ हाँ देखो भाई वहां चलो ठीक है, ऑफिशियल पर कोई दबाव ना बनाओ खिलाड़ी साथियों, आप सारी बातों को जानते हैं, बहुत अच्छे ऑफिशियल हमारे इस मैच में। देखिए पॉइंट है कैचर का, उसके बाद खेल कमेटी कहती है जी न्याय मिलना चाहिए, अगर उसके बाद भी मास्टर भोगपुरपुर की टीम चाहती है अमरयू देखना चाहते हैं तो गुरुजी दिखा देंगे, ताकि कोई टीम ये ना बोल के जाए किसी ऑफिशियल के डिसीजन के कारण मार के गए। हाँ हारेंगे तो अपनी कमी से हारेंगे, दीपक की टक्कर होगी दीपक सिलो, हारेंगे तो अपनी कमजोरी से हारेंगे, जीतेंगे तो आप अपनी बाहुबल से जीत के जाएंगे, ना आपकी जीत पर किसी को किसी का सहारा होगा ना आपकी हार पर किसी का सहारा मिल सकता। चला सुनील धमतान वाला, मैं ये कहता हूं मैच आखिरी रेट तक जा सकता है, ये मैच ही ऐसा है आखिरी देर तक यह मैच जा सकता। सुनील ने एक और स्कोर अपने नाम कर लिया है। रवि को जो हल्की फुल्की चोट आई है, सबसे पहले तो बाबा के चरणों में नमन करते हैं, इतनी ज्यादा तो चोट नहीं होनी चाहिए कि खिलाड़ी आगे का मैच या आगे की टूर्नामेंट ना खेल पाए। सबसे पहले तो बाबा जी से आशीर्वाद मांगते इस बच्चे को ठीक रखे, उसके साथ साथ अपील करते हैं आगे का मैच ये खिलाड़ी खेल सके, ताकि मैच और बढ़िया हो, लोगों को भी आनंद आए। हल्की फुल्की चोट लगी थी विनय खत्री को रोदर के खेल मैदान पर, लेकिन बाद में ऑपरेशन ही कराना पड़ा। ये खेल ही ऐसा बॉडी टच खेल है, कभी भी हल्की चोट गंभीर चोट बनके उभर के आ जाती है। और संजय कोच भिवानी का इशारा, यहां कैच हो चुके ऋषि पाल बलारा को, ऋषि पाल बलारा को कैच हो चुकी है, यह संजय कोच भिवानी का इशारा है। हाँ चलिए भाई रेड पर चलिए, देवरा की तरफ से रेड पर आएगा दीपक काशीपुरिया, खेल मैदान की ओर बढ़ता हुआ। यो के खड़ा यही पूछ लो आप। हाँ के है भाई, नहीं है नहीं है, कमेटी कहती है रिव्यू की व्यवस्था नहीं है, तो खेल के जो नियम बनते हैं वो कमेटी और गांव बनाता है और उसी के आधार पर खिलाड़ियों को खेलना होता है। दीपक काशीपुरिया फिर रेड पर आ गया दर्शक साथियों। हाँ मैच अभी भी मैच किसी साइड जा सकता है। हाँ बहुत हाई वोल्टेज मैच है दर्शक साथियों, बिल्कुल सामने सिल्लो भी तैयार है, रज्जी 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 की टक्कर होगी दीपक के साथ, सबल रेड पॉइंट दीपक काशीपुरिया।
हम रेड पर आएगा सुनील दमदान उर्फ दुल्ला फिर आया भाई। सामने अमन देरा वाला भी तैयार है। अमन देरा वाले आज पटा पे थापी मान का काम नहीं चल लगा, कांच लगानी पड़ेगी सुनील दमदान को और फिर प्रयास जारी। अमन देरा का सफल रेड पॉइंट और राहुल भाई उर्फ दुल्ला। राहुल भाई सभी दर्शक भाई सुन ले, खिलाड़ी समझ ले, किसी का कोई रू नहीं है। हाँ रवि, किसी का कोई रू नहीं है, कमेटी का फैसला है। हाँ रवि देरा आ गया भाई, जोटा फिर आ गया, बब्बर शेर फिर आ गया भाई खेल मैदान पर और सामने सिल्लू भी तैयार है। देखते कौन कांच का प्रयास करता है। ए सिल्लू 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 ए जोटा टक्कर ए फाइट के बाद पॉइंट मिला, ताली मारो भाई फाइट में दोस्तों। स्कोर है 20 और 18.5, ठीक है जी 20 और 18.5। मैच देखिए, अभी भी मैच किसी भी साइड जा सकता, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैच किसी साइड भी जा सकता है। एक तरफा मैच बिल्कुल नहीं है, एक तरफा मैच बिल्कुल नहीं है। ऋषि पाल निकला फिर पकड़ा भागते का गट्टा मोहित डीग ने। हाँ साइलेंट किलर ने काम कर दिखाया और मना रहे थे सुहादारे एक जोर की कल किया दीपक आ गया, दीपक काशी पर फिर आ गया। और सुनिए भाई मोहित डी को 100 रुपए इनाम के द्वारा। और दोस्तों सुनिए, भाव अकबर पर का स्कोर है 20 और डेरे का स्कोर है 20.5। ताली मारो, डेरे की टीम आज 2 पॉइंट से आगे निकल गई है। जो टीम 5-6-7 पॉइंट से पिछड़ रही थी वो टीम आगे आधे पॉइंट से आगे चली गई है। और अब फैसला आएगा रेडर के पक्ष में आएगा। संजय कोच मंडाना बहुत उच्च कोटि के ऑफिशियल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉइंट मिलेगा बहुत भाई, पहले ही बोल दिया मोहित डी अपने 100 रुपए इनाम ले भाई के ना। ओ भाई साहब आप कैसे आ रहे हो बार, भाई साहब आ रहे बताओ नहीं आप आ रहे आराम से आ रहे भीतर आप क्या आराम से नहीं आप करण क्या है आप बाहर बैठ के मैच देखो आराम से बैठ। हाँ। सारे भाई अपने ही नहीं बाहर चल के मैच देखो आप। रेड पर रवि दोरा फिर आ गया भाई, बिल्कुल सिल्लू बलारा रज्जी बुल्लन प्यार है। सिल्लू बलारा बिल्कुल मैच जाता हुआ हाथों से, कांच लगानी पड़ेगी रवि देरा जान का जोता है। क्या बात है नखरे रवि देरा के, ताली मार दे भाई एक बार रवि देरा के नाम की भी भाई जोर की। और अब स्कोर है 21 और 21, ठीक है जी 21 बाबू अकबरपुर मास्टर 21.5 डोरा 21.5 और 21 का स्कोर चल रहा है। हाँ मैच तो 23:24 का, मैं तो स्कोर बताऊं अब तक का कितना है। अब तक का जो स्कोर है 21.5-21 का है, मैच 23:24 का है। अगले मैच के लिए फरमाना सोनीपत वर्सी जो सत्यार और इस मैच के बाद अंतिम 16 का ड्रॉ डालने के लिए हमारी टीमें तैयार रहे। सूबेदार अमरजीत अमरदीप, सूबेदार अमरदीप सिलो बहु अकबरपुर कैच मारेगा तो 500 रुपए मिलेंगे। धन्यवाद सर, मैच कराओ जी मैच कराओ जी। रेड रेड बहु अकबरपुर को चाहिए जीतने के लिए 3 पॉइंट, देरा का काम चल जाएगा 2 में क्योंकि 21.5 और 23 आधा पॉइंट देरा का ज्यादा है और बहु जीते के तो बनाने पड़ेंगे 24, 21 और 3, 24। यह है लेखा जोखा अभी तक का दोस्तों। और अब आगा रेड पर ऋषि पाल बलारा, बहुत तगड़ा मैच लगा, हारजीत तो चलती रहती है। ताली मार दो सभी दर्शक भाई, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ, बहुत ही तगड़ा मैच, ऐसे ऐसे मैच कभी कभी देखने को मिलते हैं। मैं सुबह से कह रहे थे सारी टीम और सारे अच्छे खिलाड़ी आज फिर पॉइंट रेड के खाते में जुड़ता हुआ, फिर पॉइंट रेडर के खाते में जुड़ता हुआ।
सुनो, आप अपने ताले मारो, आप अपने अपने ताले मारो कि मैं तीन कह दिया रू नहीं है। पहले अकबरपुर की टीम ने रू मांगा था, नहीं दिया, अब डेरा मांग रहा तो नहीं मिलेगा। मैच खेलो और मैच स्टार्ट। काशीपुरिया आ गया मैं खेल मैदान की ओर बढ़ता हुआ दीपक काशीपुरिया। अब दोनों टीमों को दो दो पॉइंट। हाँ सुन लो बुलारा, अगर कैच नहीं लगाई तो मैच हाथों से चला जाएगा। रज्जी भुल्लन ने फिर प्रयास किया, सफल रेड पॉइंट दीपक काशीपुरिया। अब डेरा को चाहिए एक पॉइंट और दो पॉइंट चाहिए ऋषिपाल बलारा की टीम को, कह लो मास्टर की टीम को कह लो। यहाँ कैच लगी तो मैच समाप्त हो सकता है, इसलिए मैच में बने रहने के लिए सुनील को स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर मैच में बना रहना है तो आधे पॉइंट का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है टच स्कोर के मैच में। दोस्तों जो पहली कैच सुनील को लगी वो बहुत नुकसानदायक रहे। मोहित डिग ने एक और करिश्मा कर दिया है, ये वो खिलाड़ी है जिस पॉइंट की कैच लगाई थी और अब भी कैच मार के मैच जिता सकता है, लेकिन फाइट जारी है, फाइट जारी है, फाइट जारी है, फाइट जारी है। मैच हो गया, मैच समाप्त हुआ और मनारा मैच समाप्त हुआ। गोल की पलकी और गोल, हेलो, मैच समाप्त हुआ।